हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, और मुझे लगता है कि आपको आज की अपडेट जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम विंस मैकमैन के उस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि विंस मैकमैन NJPW और AEW जैसी कंपनियों को बहुत पीछे छोड़ने वाले हैं। गाइस, फाइनली रूसेव ने उनके और TNA की सिचुएशन के ऊपर कुछ कहा है, और ऑल इलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप और ऑल इलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि EC3 जाने वाले हैं रिंग ऑफ ऑनर में। तो गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और गाइज शुरुआत करते हैं ऑल इलीट रेसलिंग और NXT के इस वीक के व्यूअरशिप से। लेकिन गाइज, हर बार की तरह ही इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले हम जानेंगे इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप। और अगर हम शुरुआत करें ऑल इलीट रेसलिंग से, तो गाइज लास्ट वीक ऑल इलीट रेसलिंग को व्यूअरशिप मिली थी 677 के व्यूअर्स, और वही लास्ट वीक NXT को व्यूअरशिप मिली थी 673 के व्यूअर्स। और लास्ट वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप में काफी कम अंतर था, जहां पर ऑल इलीट रेसलिंग ने NXT को सिर्फ 4000 व्यूअर्स से बीट किया था। लेकिन गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप में काफी बड़ा उछाल आ चुका है। और अगर हम शुरुआत करें NXT से, तो गाइज NXT को इस वीक उनके व्यूअरशिप में उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 10% व्यूअर्स का फायदा हुआ है, और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 746 के व्यूअर्स। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल इलीट रेसलिंग की, तो गाइज इस वीक ऑल इलीट रेसलिंग को उनकी व्यूअरशिप में उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 14% व्यूअर्स का फायदा हुआ है, और इस वीक जो ऑल इलीट रेसलिंग को व्यूअरशिप मिली है वो है 772 के व्यूअर्स। और ये ऑल इलीट रेसलिंग की व्यूअरशिप में काफी तगड़ा उछाल है। लेकिन गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के व्यूअरशिप बैटल के विनर की, तो गाइज इस वीक के व्यूअरशिप बैटल में भी ऑल इलीट रेसलिंग ने NXT को हरा दिया है, और लास्ट वीक के मुकाबले इस वीक इन दोनों ही शोज के व्यूअरशिप में डिफरेंस काफी बढ़ गया है। लेकिन गाइज, यहाँ पर मुझे ये चीज बहुत ही अच्छी लगी कि गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और मैं तो चाहूंगा कि इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप ऐसे ही बढ़ती रहे। लेकिन गाइज, जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं ऑल इलीट रेसलिंग की इस वीक की टॉप 5 रैंकिंग। तो गाइज, हर बार की तरह ही इस बार भी ऑल इलीट रेसलिंग ने उनके टॉप 5 रैंकिंग निकाली है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें ऑल इलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज ऑल इलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है युका साकाजी, नंबर 4 पर आती है ब्रिट बेकर, नंबर 3 पर आती है फिनोल्पी फ्रॉड, नंबर 2 पर आती है क्रिस टैटलैंडर, और गाइज नंबर 1 पर आती है नायला रोज, और स्टिल है हमारी ऑल इलीट रेसलिंग विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू सीडा। लेकिन गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज यहाँ पर ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 4 पर आते हैं द डार्क ऑर्डर, नंबर 3 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 2 पर आते हैं द नेचुरल नाइटमेयर, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं द बेस्ट फ्रेंड्स, और स्टिल है ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज। लेकिन गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल इलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की, तो गाइज यहाँ पर ऑल इलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं क्रिस जेरिको, नंबर 4 पर आते हैं केनी ओमेगा, नंबर 3 पर आते हैं ब्रॉडी ली, नंबर 2 पर आते हैं लांस आर्चर, और गाइज नंबर 1 पर आते हैं MJF, और स्टिल है हमारे ऑल इलीट रेसलिंग TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी और ऑल इलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और मुझे नहीं लगता कि इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज हुआ है। लेकिन गाइज, जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं कि क्या EC3 जाने वाले हैं रिंग ऑफ ऑनर में। तो गाइज, मैं आपको काफी दिनों से बता रहा हूं कि WWE से रिलीज होने के बाद से EC3 बहुत सारे क्रिप्टिक वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, और ऐसा ही एक क्रिप्टिक वीडियो EC3 ने हाल फिलहाल में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। और यहाँ पर बात करते हुए EC3 ने कहा कि हम जो रेसलर है वो रेसलिंग करते समय अपने आप का चेहरा एक गिमिक से ढक लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहते। लेकिन आगे EC3 ने कहा कि आगे हमें EC3 का रियल वर्जन देखने को मिलने वाला है, जैसे कि EC3 अपने रियल लाइफ में है, क्योंकि यहाँ पर रेसलिंग के जॉब में रेसलर्स को ऑनर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर EC3 सभी रेसलर्स को ऑनर देना चाहते हैं। और आप भी सुन सकते हैं कि EC3 ने क्या कहा है। Professional wrestling is not a noble endeavor. It is not a dream job. There is no honor in what we do. Spray tans and baby oil and makeup to cover our blemishes. There is no honor in what we do. Colorful gear, banger theme music, catchphrases that sell you a t-shirt. There is no honor in what we do. Ratings, buy rates, what's the gain? Are we here for passion or are we here for profit? In this industry, we create these gimmicks to cover our true identity, and we do what with it? We complain on social media, never confrontational, of course. We shake each other's hands only to eventually stab each other in the back. We verbatimly read a script like a mindless drone, and then we laugh at our boss's jokes. Good one, boss. Even when they suck, we try.
infiltrate backstage information to bump up our star ratings, and we politic, 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 politic. There is no honor in what we do. Honor is in purpose. Honor is in breaking yourself down only to create your greater spirit. Honor is in a good fight. You have been warned. और जैसा कि आप इस वीडियो के आखिर में देख सकते हैं कि AC3 इस वीडियो के आखिर में रिंग ऑफ ऑनर के लोगों के सामने खड़े थे, इसी वजह से सभी रेसलिंग कम्युनिटी में ये रूमर्स फैल रहे हैं कि AC3 हमें आगे चलकर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी में दिखाई दे सकते हैं। गाइज, यहाँ पर AC3 का ये प्रोमो देखकर मुझे भी सच में लग रहा है कि AC3 आगे चलकर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में AC3 बहुत सारे क्रिप्टिक वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते कि AC3 कौन सी कंपनी में जाएंगे। लेकिन गाइज, आप यहाँ पर मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि AC3 कौन सी कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन गाइज, जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और गाइज जानते हैं कि TNA को लेकर रूसेव ने क्या कहा है। गाइज, आपको पता होगा और मैंने भी आपको बताया था कि TNA ने अपने अगले पेपर ही यानी कि स्लैमिवर्सरी 2020 के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक टीजर वीडियो पोस्ट किया था, जहां पर हमें बुल्गेरिया का फ्लैग देखने को मिला था। और यहां पर इसके बाद से सभी लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि हमें रूसेव TNA कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और क्या पता स्लैमिवर्सरी 2020 में रूसेव अपना TNA में डेब्यू कर ले। लेकिन गाइज, यहां पर इन सभी बातों को क्लियर करते हुए रूसेव ने कुछ कहा है, और यहाँ पर उनके लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में रूसेव से किसी फैन ने सवाल पूछा था कि क्या आप TNA में जा रहे हैं या फिर नहीं, और यहाँ इस सवाल का जवाब देते हुए रूसेव ने कहा कि पता नहीं क्यों, लेकिन सारे लोग सोच रहे हैं कि रूसेव आगे चलकर TNA कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर रूसेव का कहना यह था कि रूसेव को भी पता नहीं है कि TNA के टीजर वीडियो में बुल्गेरिया का फ्लैग क्यों दिखाई दिया, और यहाँ पर रूसेव को लगता है कि आगे चलकर कोई और रेसलर स्लैमिवर्सरी 2020 में TNA कंपनी ज्वाइन करने वाला है, इसलिए TNA ने अपने टीजर वीडियो में बुल्गेरिया का फ्लैग दिखाया है। और अभी तक रूसेव और TNA के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए रूसेव ने कहा कि अगर TNA रूसेव को पर मैच 1 मिलियन दे सकती है, तो गाइज यहाँ पर रूसेव भी TNA कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। और जो रूसेव ने कहा है वो तो होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी TNA का खुद का रेवेन्यू इतना बड़ा नहीं है कि वो अपने किसी भी रेस्लर को 1 मिलियन की सैलरी दे पाए। लेकिन गाइज, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर रूसेव ने कहा था कि वो रेस्लर कोई भी हो सकता है, और शायद वो रेस्लर रूसेव भी हो सकते हैं, लेकिन क्या पता कि रूसेव को कन्फर्म नहीं करना। पर गाइज, यहाँ पर रूसेव ने सैलरी को लेकर जो बात कही है उससे तो मुझे नहीं लगता कि रूसेव TNA कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा है कि TNA अपने किसी भी रेस्लर को 1 मिलियन की सैलरी पे नहीं करती। और जरा आप भी सुनिए कि रूसेव ने यहाँ पर क्या कहा है। But I can't confirm or deny. Or I don't want to confirm or deny. Maybe they want to pay me $1 million for one match. Who knows? Maybe I'll come in. लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी मेन अपडेट की। और गाइज, जानते हैं विंस मैकमैन का मास्टर प्लान, जिससे कि विंस मैकमैन AEW और NJPW जैसे कंपनियों को काफी पीछे छोड़ने वाले हैं। गाइज, आपको अभी तक विंस मैकमैन का प्लान समझ में नहीं आया होगा, पर गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन अपने प्लान में सक्सेस हो चुके हैं, और यहाँ पर विंस मैकमैन जो चाहते थे वो हो चुका है। और गाइज, यहाँ पर विंस मैकमैन का प्लान ये था कि जब भी कोई रेसलिंग फैन रेसलिंग के बारे में कुछ भी सर्च करे, तब उसे सबसे पहले इंटरनेट पर WWE की रिजल्ट्स दिखाई दे, जिससे कि WWE को काफी सारा फायदा होगा और यहाँ पर काफी सारे नए लोग WWE देखने में इन्वेस्ट करेंगे। और गाइज, इसका एक रिसेंट एग्जांपल मेरे पास है, जहाँ पर हमें WWE की फिलहाल के पेपर यू यानी कि बैकलैश 2020 में WWE का ग्रेटेस्ट मैच एवर देखने को मिला है, और ये मैच था रैंडी ओर्टन वर्सेस एज। गाइज, अभी तक आपको शायद पता नहीं चला होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने ट्रूथ लाने वाला हूँ, क्योंकि गाइज इस मैच को ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच कहकर प्रमोट करने का एक रीजन था, और ये रीजन शायद आप जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस मैच को इस स्लोगन से इसलिए प्रमोट किया गया था क्योंकि अगर कोई भी फैन इंटरनेट पर ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर कर सर्च करे, तो उसे यहाँ पर WWE की रिजल्ट सामने दिखाई दे, ना कि NJPW और AEW के, जबकि हमें AEW और NJPW में बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं, जहाँ पर NJPW में Kenny Omega वर्सेस Kazuchika Okada और AEW में Young Bucks वर्सेस Kenny Omega और Hangman Page। गाइज, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन Vince McMahon की Randy Orton वर्सेस Edge इस मैच को ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर कहकर प्रमोट करने से पहले अगर कोई फैन इंटरनेट पर ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर सर्च करता था, तो गाइज यहाँ पर उसे NJPW का
काजुशी का ओकाडा वर्सेस केनी ओमेगा और ऑल इट रेसलिंग का केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज वर्सेस यंग बक्स ये मैच सर्च रिजल्ट्स में देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पर विंस मैकमैन की रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज इस मैच को ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर कहकर प्रमोट करने के बाद इंटरनेट पर काफी सारे लोगों ने रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज इस मैच को ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच कहकर इस मैच के बारे में काफी सारे आर्टिकल पोस्ट कर दिए है, जिस वजह से हाल फिलहाल में कोई भी फैन अगर इंटरनेट पर सर्च करता है कि विच इज द ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर, तो गाइज यहाँ पर रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज ये मैच सामने निकल कर आता है। गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन का दिमाग मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इस चीज से WWE को काफी बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर मैं WWE, AEW और NJPW इन तीनों कंपनियों को साइड में रखकर एक जेन्युइन रेसलिंग फैन की तरह बात करूँ तो गाइज मुझे नहीं लगता कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज ये मैच ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर था, क्योंकि गाइज इस मैच के अलावा भी हमें बहुत सारे ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैचेस देखने को मिले हैं, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज इस मैच से भी बहुत ही बढ़िया मैचेस हमें WWE में भी देखने को मिले हैं। और अगर आप मुझसे पूछो तो गाइज मेरा WWE का सबसे ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर रसलमेनिया 28 का है, जहाँ पर हमें ट्रिपल एच वर्सेस अंडरटेकर शॉन माइकल स्पेशल गेस्ट रेफरी एक हेल इन अ सेल एंड ऑफ एन एरा मैच देखने को मिला था। और ये तो था मेरा WWE का ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर, लेकिन रेसलिंग में सबसे ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर मेरे हिसाब से तो केनी ओमेगा वर्सेस काजुशिका ओकाडा 4 है, जहाँ पर गाइज हमें बहुत ही बढ़िया रेसलिंग देखने को मिली थी। और यहाँ पर आप मुझसे एग्री करते हैं कि मैंने कहे हुए मैचेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज इस मैच से बहुत ही ग्रेटेस्ट मैचेस थे, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लेकिन गाइज अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे अपना ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर बता सकते हैं। और गाइज मानना पड़ेगा विंस मैकमैन के प्लान को। लेकिन गाइज आज की वीडियो यही तक थी और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और गाइज तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite. But Nick, you're not going to sing it all with me this time?